नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों का। खबर है उज्जैन से। करणी सेना परिवार द्वारा माहिनपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना देकर हड़ताल की जा रही है। पिछले दो दिनों से लगातार जारी है। इधर आज प्रदर्शन में करणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हो गए हैं। इसको देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए पूरे परिवार को पुलिस छावनी में, पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। यहाँ पर करीब 175 पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। इधर प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ जाने पर उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी भेजा गया है। संवाददाता संजय शर्मा की बड़ी रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का प्रथम मासिक राशि अंतरण कार्यक्रम शनिवार को छिंदवाड़ा जिले में उत्सव के रूप में मनाया गया। जिले के सभी ग्रामों और शहरी वार्डों में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में रंगोली, मेहंदी, हस्ताक्षर अभियान, लोकगीत, भजन, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से लाडली बहनों ने अपनी खुशी भी जाहिर की है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज रात को उज्जैन पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान काल भैरव के दर्शन किया। वहीं सुबह भगवान महाकाल के भस्म आरती में शामिल होंगे। संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। माहिनपुर विधानसभा में 64,000 लाडली बहन के पंजीकरण हुए हैं। उज्जैन जिले के अंतर्गत माहिनपुर विधानसभा के प्रत्येक पंचायत पर लाडली बहन योजना को लेकर अत्यधिक उत्साह देखने को मिला और महिलाएं सर पर कलश रखकर रैली निकाली गई, जिसमें माहिनपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं महिलाओं का कहना था कि हमारी विधानसभा में 64,000 लाडली बहन के पंजीकरण हुए हैं, जिनके खातों में 1,000 रुपये डाले गए हैं। संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर तरफ रुख करते हैं। बुधनी नर्मदा पुल के नीचे मिला है लगभग 32 वर्षीय अज्ञात युवक का शव। बुधनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए पहुंचाया, साथ ही जांच में जुट गई है पुलिस। खबर का असर, कुछ दिनों पहले बुधनी में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका शव बुधनी नगर परिषद के कचरे की ट्राली में ले जाया गया था, जिसका असर आप वीडियो में देख सकते हैं। नया शव वहां देख रहे होंगे। यह असर हुआ, अब शव की दुर्दशा नहीं होगी। रिपोर्टर कन्हैयालाल की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के खानिया थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया की एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। आज खानिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति पिछोर तरफ से अवैध मादक पदार्थ बेचने के लिए खानिया थाना की ओर आ रहा है। उक्त सूचना पर खानिया थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर बुधना नदी पिछोर रोड पर सचिन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान आरोपी निखार जुबेर खान निवासी साईं बाबा चाल जनता नगर झोपड़पट्टी डोगरी ठाणे महाराष्ट्र के कब्जे से एक पारदर्शी सफेद पन्नी में मेफेड्रोन MD नशीला पदार्थ कुल 142 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है व एक सेंट्री कार कीमत जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है, एक मोबाइल फोन सहित कुल 21 लाख रुपए को जब्त कर सप्लाई वैन को ध्वस्त किया गया। उक्त आरोपी मुंबई के विभिन्न थानों में NDPS एक्ट के मामलों में पूर्व वो भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे अन्य सप्लायरों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। कुलदीप गुप्ता, शिवपुरी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना थी तो उस सूचना के आधार पर एक सेंट्रो कार निकली तो हमने उसकी जब तलाशी ली तो उसमें MD पाउडर होता है वो 143 ग्राम मिला, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए है मार्केट में, और उसे अरेस्ट किया। वो जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निशार पुत्र जुबेर खान 39 साल बॉम्बे महाराष्ट्र का होना बताया, और इसने खुद बताया कि मैं 2-3 बार बॉम्बे में बंद हो चुका हूँ और ये बॉम्बे से इंदौर होते हुए सप्लाई करते हुए चंदेरी तरफ जा रहा था, इसने ऐसा बताया है। और कोई आशीष मेहता करके है, बॉम्बे में बड़ा सप्लायर है, उसका इसने नाम बताया है, उसकी तस्दीक कर रहे हैं।
वहीं अगली खबर से रुख करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज अचानक ही शिवपुरी आ गए हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निवास पर पहुंचे और लगभग डेढ़ घंटे तक एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया के निवास पर रहे। यहां उन्होंने भोजन प्रसाद की और इसके बाद वह गुहा के लिए निकले। लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शनों के लिए ललायत दिखे। इसके बाद एसपी कोठी के अंदर ही लोगों ने जय बागेश्वर धाम के नारे लगाए। कुलदीप गुप्ता शिवपुरी मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद विभिन्न जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। विभिन्न विदिशा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य प्रिया सेट्टी, सांसद रमाकांत भार्गव हुए शामिल। जिले के शमशादाबाद विधायक राजश्री सिंह, गंज बसोड़ा विधायक लीना जैन, कुरवाई विधायक हरि सिंह रापरे, जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जदौन भी शामिल हुए हैं। जिले के प्रभारी लला वांगकेड़े, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लोन सिंह दागी भी मौजूद रहे। वहीं पिपरिया रेलवे स्टेशन पर बीती रात तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच इटारसी से जबलपुर की तरफ जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अज्ञात मृतक के गले में तावीज, हाथों में अंग्रेजी में रौनक, हिंदी में गिटार और स्टार में श्री रानू गुदा पाया गया। फिलहाल मृतक को मरचुरी रूम में रखा गया है, साथ ही परिजनों के संबंध में जानकारी भी ली जा रही है। दीपेश पटेल संवाददाता की खास रिपोर्ट।